तो जितने भी कैंडिडेट अभी रह गए हैं फॉर्म भरने के लिए, 3 बच्चों के हैं। और देखिए यहाँ पे साइड यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। आप सभी लगातार साइड पे जा रहे होंगे, साइड नहीं खुल रही होगी। मैं इसका तरीका बताऊंगा आपको, डायरेक्टली लाइव भर के मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो है भर चुका है फॉर्म, अब मुझे करना है भुगतान। मेरा भुगतान नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं भुगतान करके आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्रक्रिया बताऊंगा किस प्रकार से आप यहाँ पे पहुंच पाएंगे। उसके पहले विद्यार्थियों आपको बता दूं कि साइड में बहुत ज्यादा लोड चल रहा है, जिसके कारण आपको यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे पहुंचना है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए भुगतान किए गए आवेदन के लिए यहाँ पे दबाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे महत्वपूर्ण लिंक के नीचे ये दिया गया है, भुगतान न किए गए आवेदन की स्थिति को जांचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दबा दिया है, अब ये लोड लेगा, ठीक है, लोड लेगा, टाइम लगेगा। आप सोचोगे कि मैं तुरंत भर दूं, तो आपको आज का पूरा दिन लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये साइट चलने लगी है, यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग ले रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन जो है प्रोसेस ले रही है, बट लोड ले रही है क्योंकि वर्क बहुत ज्यादा है, वर्क लोड ज्यादा है जिसके कारण साइट लोड ले रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप, ये देखिए अब यहाँ पे आवेदन का जो है यहाँ पे मांग रहा है, ठीक है, जो है आपका आवेदन पत्र का ऑनलाइन क्रमांक, फिर इसके बाद प्रोफाइल का जो पासवर्ड है, तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ, फिर इसके बाद अपन आगे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने पासवर्ड जो आवेदन क्रमांक है सब फिल कर दिया, कैप्चा बस फिल करना था, तो 6 और 8 आपके हो जाएंगे 14, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा पेमेंट लेगा या फिर नहीं लेगा, कितना टाइम लेगा। देखिए मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, कई लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं कि साइट मतलब वर्क कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, साइट सच में वर्क कर रही है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, बट यहाँ पर रियलिटी आप देख लीजिए कितना ज्यादा यहाँ पर टाइम ले रही है साइट। आप लोग सोचते होंगे कि खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं, क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे देखो मैंने आगे बढ़े पर क्लिक कर दिया है। अभी मुझे भी नहीं पता है कि मेरा फॉर्म भरा जाएगा या फिर नहीं भरा जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ऐसे ही आप लोग भी लगातार प्रयास करेंगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। वैसे लास्ट डेट तक रुकने का रीजन मेरा भी यही था, मेरा ईडब्ल्यूएस जो है, पहले क्या होता था ईडब्ल्यूएस जो है वो अपलोड नहीं होता था, अब ईडब्ल्यूएस अपलोड होने लगा है, जिसके कारण यहाँ पे ये जो है टाइम ले रहा है पुलिस का फॉर्म भरने में, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है, अगर आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस पुराना है आपके पास तो आपने वो अपलोड कर दिया होगा और नया बन गया है, तो अभी आप चेंज कर सकते हैं, या फिर भुगतान आपका हो चुका है तो बाद में चेंज कर देना। तो यहाँ पे देखो कितना ज्यादा टाइम ले रहा है, लगभग मैं 5 मिनट से आपसे बात कर रहा हूँ और अभी भी ये फंसा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा मत समझना कि साइड नहीं चल रही है, देखो यहाँ पे ये चल रही है। अब यहाँ पे देखना, मैं एमपी पीबी एमपी ऑनलाइन लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये लोड लेगा, तो देखते हैं ये वाला जो है जो आपका कब तक खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये तो सर्वर अनेबल बता रहा है, ठीक है, क्योंकि एक बार यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है, एक बार यहाँ पे खुला हुआ है। आपको करना क्या होगा, सिर्फ एक ही बार खोलना है, आपको बार बार बहुत सारी टैबों में नहीं खोलना है, सिर्फ एक ही टैब में खोलना है और ऐसे वेट करना है, ठीक है, लगातार वेट करना है, जब जाके आपका फॉर्म भरा जाएगा। सो गाइस, अगर मेरा फॉर्म भरा जाता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि लगातार 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है और इसके आगे मैं नहीं चाहता कि आप सभी को मतलब मैं रोक के रखूँ वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग लगातार प्रयास करते रहिए, आपका भी फॉर्म भरा जाएगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं, मेरा अभी भी लोड ले रहा है, ठीक है, जैसे ही मेरा लोड हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा।